हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे टेक्समो पाइप के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में कि कैसा आया है और इसका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा टेक्समो पाइप का। आप जानते हैं टेक्समो पाइप का आज रेट चल रहा है 60 रुपीज़ एंड 52 भी खाया था 101 रुपीज़। इसका पी है 16 का। बात करेंगे इसके क्वार्टर रिजल्ट की। तो जून 21 में रेवेन्यू था 130 करोड़, मार्च 22 में रेवेन्यू था 170 करोड़ और अभी जून 22 में रेवेन्यू था 162 करोड़। तो 130 करोड़, 170 करोड़ एंड 162 करोड़ ईयर ऑन ईयर तो रेवेन्यू बढ़ा है बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा घटा है। जहां तक नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो जून 21 में नेट प्रॉफिट था 3 करोड़ 77 लाख रुपीज़, मार्च 22 में था 2 करोड़ 29 लाख रुपीज़ और अभी जून 22 में प्रॉफिट आया है ओनली 48 लाख रुपीज़, जिसके कारण इसमें ज़बरदस्त फॉल आज देखने को मिला टेक्समो पाइप में। अब इतना ये प्रॉफिट घटा क्यों, तो उसका कारण है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये लगातार घट रहा है कंपनी का। जून 21 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 7%, वो मार्च 22 में घटकर हो गया 5.40% और अभी जून 22 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटकर हो गया है 3.80%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार घटा है ईयर ऑन ईयर भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, तो उसका इफेक्ट हमें नेट प्रॉफिट पे देखने को मिला है। हालांकि लॉस नहीं हुआ है बट 48 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट एज कम्पेयर टू 3 करोड़ 77 लाख प्रॉफिट इन लास्ट ईयर, तो ये बहुत ज़्यादा फॉल हो गया है। मैंने पहले भी वीडियो बनाकर आपको बताया था कि इसका प्रॉफिट कम से कम 2 करोड़ 50 लाख से लेकर 3 करोड़ तक होना चाहिए, बट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा फॉल होने के कारण टेक्समो पाइप में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में 50 रुपीज़ भी टच कर सकता है और मार्केट क्रैश हुआ तो उसके नीचे भी जा सकता है। तो इसीलिए फॉर द टाइम बीइंग टेक्समो पाइप को एक बार बेच के एग्जिट कर देना अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। जब तक नया क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है थोड़ा इस पर प्रेशर बना रहेगा, बट अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है और आप होल्ड कर सकते हो तो आप सेप्टेम्बर क्वार्टर का रिजल्ट आने तक वेट कर सकते हो। वो अगर अच्छा आया तो फिर से इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल देखा जाए तो टेक्समो पाइप का जो रिजल्ट है निराशाजनक रहा। हालांकि रेवेन्यू थोड़ा बहुत ठीक ठाक है बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटने के कारण इनके प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। थैंक यू फ्रेंड्स।